वेलकम बैक एवरी वन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट एंड आवर टॉपिक नेम इज़ द ट्रेटफुल गेस्ट सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेटफुल गेस्ट ट्रेटफुल मतलब क्या होता है कॉसिंग फीयर आर सफरिंग मतलब खौफनाक या तकलीफ देने वाला गेस्ट मीन्स मेहमान तो ट्रेटफुल गेस्ट मतलब एक भयानक सा मेहमान हम इसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ वंस अपॉन अ टाइम द किंग ऑफ रूसिया डिसाइडेड टू होल्ड अ ग्रांड फिट्स ही इनवाइटेड प्रिंस रिच मर्चेंट्स ब्रेव वॉरियर्स एंड ऑल द इम्पोर्टेंट पीपल इन हिज किंगडम एक टाइम की बात है एक बार रूसिया एक बार की बात है रूसिया में जो किंग रहते थे उन्होंने डिसाइड किया उन्होंने फ़ैसला किया कि वो क्या करेंगे एक ग्रांड फीट्स फीड्स मतलब होता है दावत देना वो दावत देंगे और इनवाइट करेंगे किसे प्रिंसेस को रिच मर्चेंट्स को प्रिंसेस मतलब बादशाह या शहजादियों रिच मर्चेंट्स मतलब अमीर जो सौदागर होते हैं ब्रेव वॉरियर मतलब बहादुर जंगो एंड ऑल द इम्पॉर्टें पीपल इन हीज़ किंगडम और तमाम ऐसे लोग जो उनकी जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं के ऑन द नाइट ऑफ द फीड्स द किंग एंड गैस सेट टूगर एट अ लॉन्ग टेबल इन देंक्यूट हॉल they talk and laugh and everyone was happy ab isme अब इसमें दिया है जिस दिन जो raat वाली रात थी जो raat वाली रात थी उस दिन क्या हुआ बादशाह जो वहाँ के जितने भी aur थे और जितने भी वहाँ पे wo थे वो एक बड़े से हॉल सेट सेट टुगेदर एट अ लॉन्ग टेबल वो एक बड़े से हॉल में बैठे थे बड़े से हॉल में एक लंबे से टेबल पे इकट्ठा सब साथ में बैठे थे दे टॉक एंड लाफ एंड एवरी वन वॉज हैप्पी और सब वहाँ पे बात कर रहे थे और हंस रहे थे और सब बहुत ही खुश थे अ ह्यूज एनिमल बस्ट इन टू द हॉल बस्ट मीन्स होता है इंटरेट अ प्लेस सडनली एंड नॉइसली इस तरीके से वो इंटर होता है एकदम अचानक से और नॉइस करते हुए वो हॉल के अंदर इंटर होता है इट वॉज़ अरेबल लुकिंग ड्रैगन और बहुत ही ख़तरनाक नज़र आता जस्ट लाइक अ ड्रैगन इट वॉज एज टॉल एज अ ट्री और वो इस तरीके से नजर आता था जैसे एक लंबा सा ट्री कैसा होता है वो ट्री की तरह बहुत ही लंबा था टॉल था एज ब्रॉड एज हाउस और एक घर का एक घर की तरह वो नजर आ रहा था कि एक घर कैसा होता है बड़ा सा होता है चौड़ा सा होता है वैसे वो घर की तरह एक नज़र आ रहा था विथ तीत लाइक स्पाइक्स स्पाइक्स मीन्स होता है अनेरोन शेप विथ अ शार्प पॉइंट एट वन एंड जो उसके तीत थे बहुत ही शार्प थे बहुत ही नोकीले थे एंड क्लॉस लाइक नाइक्स और जो उसके पंजे थे वो बहुत ही जो पंजों की जो तो उसके नाखून थे वो बहुत ही नाइफ्स जैसे नाइफ्स कैसे होते बहुत ही नोकीले होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं उस तरीके से उसके पंजे थे हिज स्किन वॉज हार्ड एंड स्कीली स्की मीन्स होता है थिन हार्ड पार्ट दैट कवर द स्किन मतलब स्केली मीन्स होता है पपड़ीदार जैसे स्किन कैसी पपड़ीदार नजर आती है उस तरीके की उसकी स्किन नजर आ रही थी एंड हीज आइस रेड रेड और उसकी आइज जो थी बिल्कुल रेड रेड नजर आ रही थी हॉट फ्लेम शॉट फॉर्थ शॉट फॉर्थ मीन्स होता है कम आउट क्विकली उसकी नोज फ्रॉम द फ्रॉम हिज माउथ उसके माउथ से रेड रेड फ्लेम निकल रही थी रेड रेड फ्लेम निकल रही थी क्विकली क्विकली बहुत ही जल्दी जल्दी एंड ब्लैक स्मोक फ्रॉम हिस नॉस्ट्राइल्स और उसके नाक में से ब्लैक कलर के धुएँ स्मोक्स निकल रहे थे नाव दिस ड्रैगन वॉज ऑल्सो वेरी मेन क्रिएचर और वो जो ड्रैगन था बहुत ही मतलबी क्रीचर था ही लव टू बी स्पॉयल स्पोर्ट एंड किल जॉय स्पॉयल स्पोर्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम इन्जॉइंग दैम सेल्फ स्पोर्ट मतलब होता है लोगों की खुशियों को बर्बाद करना स्पॉइल करना तो जो ड्रैगन था वो वो बहुत प्यार करता था किससे लोगों की लोगों की लोगों की खुशियों को छीनने में लोगों की पार्टी को स्पॉयल करने में वो बहुत ही माहिर था ही वॉक ही वॉक स्ट्रीट टू द हैड ऑफ़ द टेबल एंड पुश हिमसेल्फ बिटवीन द किंग एंड क्वीन और वो वॉक करते हुए जाता है सीधा स्ट्रेट किस पे टेबल के ऊपर जो टेबल हॉल में लगा हुआ था और वो टेबल पे जाते हुए वो खुद को पुश करता है हिमसेल्फ बिटवीन किंग एंड क्वीन के बीच में वो अपने आप को पुश करता है एवरी वन स्टॉप इट टॉकिंग और सब क्या होते बात करना स्टॉप कर देते हैं एवरी वन वॉज स्कैट स्कैट मीन्स सब जो है वो बहुत ही डर जाते हैं वेल वेल नॉट एवरी वन मगर सब लोग नहीं द ब्रेव वॉरियर इवान वॉज नॉट अ फ्रेंड ऑफ ड्रैगन्स जो ब्रेव वॉरियर था इवान नाम का वो बिल्कुल भी नहीं डरा ड्रैगन से वाट आर रूट मतलब आप कितनी बदतमीज़ हो ऐसा किसने कहा ड्रैगन ने कहा ड्रैगन जो था बहुत ही ब्रेव वॉरियर था उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा ड्रैगन से तो इवान कहता है वॉट आर रूट आप कितने बदतमीज़ हो इम्पोलाइट क्रेचर यू आर मतलब आप बहुत ही बदतमीज़ हो और क्रीचर आप ऐसे बदतमीज़ हो ही सैट एंग्रेली और उसने गुस्से से कहा जस्ट एंड द सर्वेंट्स ब्रॉट इन द फूड एंड सेट द प्लेटर्स ऑन द टेबल प्लेटर्स मीन्स होता है लार्ज प्लेट्स यूज फॉर सर्विंग फूड अब जैसे ही जो सर्वेंट थे जो वहाँ के किंग के जो सर्वेंट थे वो फूड लेके आ रहे थे बॉ सेट करने के लिए टेबल्स पे प्लेट्स में बट बिफोर दे हैड हाँ अ चांस टू सर्व द फूड टू द किंग एंड क्वीन एंड द गेस्ट और वो सर्व करने से पहले ही जो किंग के जो सर्वेंट्स थे वो फूड्स को सर्व करने से पहले ही किंग एंड क्वीन और उनके गेस्ट को द ड्रैगन पिकेंट टू तो गोबल अप एवरीथिंग जो ड्रैगन था वो गोबल अप मीन्स उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया सर्वेंट ने सर्वेंट के सर्व करने से पहले जो ड्रैगन था उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया सब कुछ द किंग एंड द क्वीन डिड नाट नो वॉट टू डू और जो वहाँ के किंग एंड क्वीन थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो आखिर करना क्या चाहता है नो बडी कुड स्टॉप द ट्रैगन और किसी के अंदर इतना ही इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ड्रैगन को स्टॉप कर सके बट ईवान स्पोक अप अगेन लेकिन जो ईवान था वो नहीं डरा ईवान ने फिर से कहा नो बडी हैज़ नो बडी हैज़ एवर थाट यू एनी मैनर क्या किसी ने आपको मैनर या तमीज़ नहीं सिखाई है आई कैन सी मैं देख रहा हूँ ही सैट आई होप यू चौक ऑन द फूड यू आर गॉबलिंग अप सो ग्रीडी चौक मीन्स होता है दम घुटना मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुम ये खाना जो इतनी लालची के साथ खा रहे हो इससे तुम्हारा दम घुट जाए ना दिस वॉज मोर देन द ड्रैगन कुड स्टैंड और ये सब सुनने के बाद अ ड्रैगन क्या हो गया खड़ा हो गया उसके बाद ही परफेक्ट आउट फायर एंड स्प्रैंग टू हिस्स फीट अब उसके बाद उसने क्या किया आग भड़काने लगा उसने फायर बाहर निकाला और अपने फीट को अपने पाँव को पाँव तक के आ गया आई डेर यू टू कम आउट एंड फाइट विथ मी मैं आपको डैर कर रहा हूँ मतलब कि आप आओ बाहर आओ और मुझसे फाइट करो ईवान ही रॉरेट वो रॉरेट ही रॉरेट मतलब वो रेडी हो गया आर यू रेडी क्या आप तैयार हो कोर्स बिल्कुल सेट ईवान ईवान ने ऐसा कहा वट हैव यू डन ईवान ईवान तुमने ये क्या किया सेट द किंग ऐसा किंग ने कहा लेट्स पुट अप विद द ड्रैगन फॉर सम मोर टाइम आइए कुछ और वक्त लेने के लिए ड्रैगन को मतलब कुछ और टाइम तक के हम ड्रैगन को बर्दाश्त करते हैं यू कैन नॉट फाइट अ ड्रैगन आप ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकते हो इट विल बर्न एंड किल यू इन नो टाइम और वो आपको जलाएगा और कुछ ही देर में वो आपको मार डालेगा बट ईवान फॉर्ज नॉट अ लेकिन जो ईवान था वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था ही न्यू दैट ही न्यू दैट ड्रैगन वेर ड्रीट बट नॉट इंटेलिजेंट लेकिन वो जानता था कि जो ड्रैगन है वो खौफनाक है लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है ही वॉज श्योर ही कुड फाइंड अ वे ऑफ किलिंग द ड्रैगन और वो श्योर था उसे यकीन था कि वो ड्रैगन को मारने के लिए कोई ना कोई वे कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता है एवरी वन वॉक आउट टू दैलेस कोर्ट यर्ड अब सभी जो थे वो बाहर आ गए महल में आ गए महल के बाहर आ गए द ड्रैगन एंड द ब्रेव वॉरियर फेस ईच अदर अब जो ड्रैगन थे और जो बहादुर था वो एक दूसरे के आमने सामने थे द ड्रैगन स्माइल अ वेरी मीन एंड विकट स्माइल और जो ड्रैगन था वो बहुत ही मुस्कुरा मुस्कुरा रहा था और बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था वो नाउ हाउ शैल आई किल यू अब वो पूछता है के अब मैं तुम्हें कैसे कत्ल करूँ तुमको मैं किस तरीके से मारूँ वो पूछता है ईवान से यू सिली फुल क्या तुम बेवकूफ हो ऐसा पूछता है यू सिली फुल ही आस्क ईवान और वो क्या करता है वो ईवान से पूछता है आई बर्न यू टू दैट क्या मैं तुमके क्या मैं तुमको जला के मार डालूँ शलाई स्मूटर स्मूटर मीन्स होता है टू किल समन बाई कवरिंग देयर फेस सो दैट कैन नॉट ब्रीथ क्या मैं तुमको गला दबा के मारूँ यू विथ फ्यूम या फिर फ्यूम uh, मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग अनप्लेसेंट एंड समटाइम्स डेंजरस गैस आर स्मोक ऐसी गंदी धुएँ से तुमको मार डालूँ आर बेटर स्टिल या सबसे बेहतर होगा शेल आई टीयर यू अप विथ माई नाइफ क्लोस क्या मैं तुमको अपने नोकेले क्लोव से क्या मैं तुमको चीर दूँ या तुमको फाड़ डालूँ मैं आर शैल आई ईट यू अप विथ माई स्पाइक दीथ या फिर मैं तुम्हें अपने नोकेले दाँत से चबा के खा जाऊँ इन द मीन फॉइल हाव एवर द क्लेवर इवान हैड थाट ऑफ अ वे ऑफ ट्रिकिंग द विकट क्रेचर अब इसके दौरान जो ईवान था जो क्लेवर जो क्लेवर ईवान था उसने उस क्रे, विकेट क्रेचर के बारे में उसको धोखा देने के बाद धोखा देने के लिए उसने कुछ वे सोचा ही फोल्डेड हिज आर्म ऑन हिज चेस्ट एंड सेट इन आ क्लेयर फॉइस अब उसने क्या किया उसने अपने सीने पे हाथ रखा हाथ रखने के बाद उसने साफ आवाज़ में क्लियर वॉइस में उसने कहा नाउ लुक क्लियर मतलब तुमने आ, मतलब अब देखो ड्रैगन वैन यू डर मी टू फाइट यू अब डर मीन्स होता है चैलेंज करना ड्रैगन जब तुमने मुझे अपने से लड़ने की हिम्मत की आई एगरी रेडी ली मतलब अब मैं क्या हो गया मैं आसानी से राजी हो गया मैं एग्री हो गया आई थॉट इट वुड बी आ फाइट बिटवीन जस्ट द टू ऑफ अर्स अब वो राजी हो गया उसके बाद मैंने सोचा कि अब हम दोनों की हम दोनों की लड़ाई होगी फिर देन ही पॉइंट एट बिहड द ड्रैगन अब उसने क्या क्या फिर उसने ड्रैगन ड्रैगन के पीछे इशारा किया वाई हैव यू ब्रॉट अ होल आर्मी टू हेल्प यू फाइट क्या उसने इशारा किया आप लड़ने लड़ने में मदद के लिए क्या आपने अपनी पूरी फौज लेके कर आए हो पूरी आर्मी लेके आए हो लड़ने के लिए ऐसा इवान कहता है ड्रैगन से द ड्रैगन वॉज एज इवान थाट हिम टू बी ड्रैगन इतना ही बेवकूफ़ था जितना कि वो इवान उसे सोच रहा था ही turned हिज हैड टू सी what Ivan was पॉइंटिंग एट अब जो वो ड्रैगन था वो टर्न करता है हैड को और वो देखता है कि इवान किसको पॉइंट कर रहा है उसे वो उसे किसको इशारा कर रहा है क्विक हैज अ फ्लैश ऑफ लाइटिंग और इव, इवान ड्रो ही सोर्ट एंड कट ऑफ द ड्रैगन्स हैड इवान ने क्या किया एक तलवार निकाली फ्लैश वाली और फौरन उसने क्या किया ड्रैगन के सर को काट दिया उसके हैड को कट कर दिया दैश ही हैड दैश ही हैड उन्होंने कहा वी वॉन्ट हैव टू पुट अप विथ पुट अप मीन्स होता है टू एक्सेप्ट बैड बिहेवियर तो अब इसमें बताया जा रहा है वी वॉन्ट हैव टू पुट अप विथ हिस ड्रीट गेस्ट एवर अगेन अब हमें इस खौफनाक मेहमान से ड्रीट गेस्ट से बर्दाश्त हमें नहीं करना पड़ेगा और ना ही हम इसे दोबारा यहाँ पे देखेंगे